ओके तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के साले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एटन रॉस के अंदर एक हेड स्टील का प्लगइन कैसे डाल सकते हो एंड उसको एक सर्वर के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे खेल सकते हो। तो यही एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है क्योंकि आजकल हेड स्टील के प्लगइन के ऊपर काफ़ी ट्रेंड भी बहुत चल रहा है और हर एक बंदा हेड स्टील का प्लगइन डाउनलोड करना चाहता है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहले आप लोगों को आ जाना है एटनॉस की वेबसाइट पे, और पता नहीं क्यों खुल रहा है, एटनॉस की वेबसाइट पे आप लोगों को आ जाना है। और एटनॉस की वेबसाइट पे आके आप लोगों को अपने एक टेस्ट सर्वर बना लेना है, जैसे मैंने बना दिया है फजूल सा सर्वर। तो आप लोगों को पहले इसका वर्जन सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वर्जन जो है ना, वर्जन आप लोग 1.20.1 रखें क्योंकि काफ़ी कंपेटेबल होता है एक सर्वर के लिए। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ फटाफट से। ओके तो गाइस यहाँ पे मेरा वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको सॉफ्टवेयर में जाना है। सॉफ्टवेयर को आपको चेंज वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पेपर बकेट पे क्लिक कर देना है क्योंकि बेस्ट होता है प्लगइन्स और मॉड्स डाउनलोड करने के लिए। तो ये आपको अपना वर्जन सेलेक्ट कर लेना है 1.20.1, इसको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपके एक टैब खुल जाएगा प्लगइन्स नाम का। आप लोगों को पहले एक प्लगइन डालना है जो कि मैं आप लोगों को पहले सारे के सारे सर्वर के प्लगइन बताऊंगा जो कि हम हमारे वीडियो में बताते रहेंगे। तो पहला हमारा प्लगइन है विया। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको विया वर्जन और विया बैकवर्ड डाउनलोड करना है। तो मैं विया वर्जन पे जाके इस 491 वाले को डाउनलोड करना है आपको क्योंकि आपका 1.20.1 का सर्वर है। तो ये डाउनलोड करने के बाद आपको पीछे जाना है विया बैकवर्ड पे जाके 4.90, जो एक एक वर्जन कम वाला होगा आपको वो डाउनलोड करना है। फिर एक SMP बनाने के लिए हमें एक वन प्लेयर स्लीप भी चाहिए होता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एक SMP के लिए। तो हाँ, आपको ये वाला वन प्लेयर स्लीप डालना है जो ये डू ई है टास्किंग वाला, इसको 1.3 वाला डाल देना। और सबसे मेन चीज़ आती है जो है हेड स्टील का प्लगइन। अब हेड स्टील के प्लगइन पे जब बात आती है तो वो कौन सा प्लगइन है, सो आप लोगों को डालना है राइजन SMP प्लगइन, ऐसा आप लोगों को इधर लिखना है एंड एंटर कर देना है। देन आपके पास ये वाला आ जाएगा, एक प्लगइन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड 1.3 पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देना है। देन उसके बाद आपका सर्वर रेडी है। और आप लोगों को दो तीन प्लगइन मैं और एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो आपके आपको हेल्प करेंगे अपना एक अच्छा सा सर्वर बनाने के लिए। तो पहला होगा GSET, जिससे आप लोग लाइक स्लैब्स ब्लॉक्स पे स्लैश सेट करके बैठ सकते हैं। तो ये वाला डालना है रिलैक्स विद अदर प्लेयर वाला, ये वाला दिखेगा आपको, ये डालना है आपको। और देखो ये 1.20.1 के लिए कंपेटेबल है ये वाला वर्जन, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारा सर्वर गाइस परफेक्ट एकदम रेडी है। और अभी हम लोग इस गेम में जाने से पहले ऑप्शंस में जाएंगे एंड ऑप्शन में जाने से पहले आप लोग अपना स्लॉट सब कुछ रख सकते हो। जैसे गेम मोड में क्रिएटिव कर देता हूँ, गेम मोड क्रिएटिव कर देते हैं एंड क्रैक डाउन कर देते हैं जो कि काफ़ी लाइक होता है इम्पॉर्टेंट, एंड फोर्स गेम मोड ऑन करके अब आपका सर्वर रेडी है चलने के लिए। तो मैं इसको फटाफट से स्टार्ट कर देता हूँ और सर्वर स्टार्ट होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ गेम की स्क्रीन के अंदर। ओके तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने अपना टेस्ट सर्वर बना लिया है एंड मैंने अपने दोस्त को भी इस SMP के अंदर बुला लिया है। तो आप लोगों को इसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सर्वर ज्वाइन करते हैं और ऑफ दे देते हैं एक दूसरे को। एक सेकंड, पहले मैं ऑफ देता हूँ एक दूसरे। ओके एंटर, तो आप सर्वाइवल में चले जाओ। नाउ लेट्स टेस्ट द प्लगइन। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एंटर को मारा है एंड मुझे उसका स्किल मिल चुका है जिसको अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो हंटर रिवाइव हो जाएगा और अभी हंटर मुझे मार के दिखेगा। तो मैं सर्वाइवल में चले जाता हूँ एंड देखेगा अभी हंटर मुझे मारेगा। मार भाई। देखो गाइस मैं यहाँ पे स्पेक्टेटर में चला गया हूँ एंड हंटर के हाथ में देखे मेरा हेड है और अगर ये हंटर यहाँ पे लगाएगा तो मैं रिवाइव हो जाऊँगा।
सो दिस इज़ द सिंपल थिंग दैट हेड स्टील वर्क्स। तो आई होप आप लोगों को वाली वीडियो पसंद आई होगी। होप श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।